इस वीडियो को देखने के बाद आप विभिन्न प्रकार के फर्श की सफाई के लिए जरूरी बुनियादी विधियों और तकनीकियों के बारे में जान पाएंगे और साथ ही आप सीखेंगे सही, सुनियोजित और सुरक्षित तरीके से सफाई करना। नमस्कार दोस्तों, विभिन्न प्रकार के फर्शों की सफाई के अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना या वैक्यूम करना और पोछा लगाना। विभिन्न प्रकार के फर्श के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार के फर्श किस तरह साफ किए जाते हैं। सफाई का काम शुरू करने से पहले सप्लाई कैडीज में सफाई के सभी सही उपकरण और क्लीनिंग एजेंट्स रखें। अपने हाथों को पानी और साबुन के साथ अच्छे से धोएं। रबर के दस्ताने और दूसरे व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण PPE पहनें। साफ किए जाने वाली जगह के पास वार्निंग साइन बोर्ड लगाएं। सफाई पूरी करने के बाद वार्निंग साइन बोर्ड हटाएं। अपने दस्ताने निकालें और साबुन और पानी से हाथ धोएं। इस्तेमाल किए गए सभी उपकरणों और PPE को साफ करें। सभी उपकरणों, क्लीनिंग एजेंट्स और PPE को एक सुरक्षित और सही जगह में रखें। चलिए अब देखते हैं कि लकड़ी के फर्श की सफाई कैसे करते हैं। लकड़ी के फर्श की सफाई के लिए जरूरी सामान और उपकरण हैं: माइक्रोफाइबर पोछा, साफ मुलायम कपड़ा, रबर के दस्ताने और सुरक्षात्मक जूते, रिंगर के साथ दो बाल्टियां, एक क्लीनिंग सॉल्यूशन के लिए तथा दूसरी साफ पानी के लिए, फूल झाड़ू और डस्ट पैन, लंबे हैंडल वाला पोछा, फर्श क्लीनर, लकड़ी के फर्श वाला गीला फर्श, वार्निंग साइन बोर्ड। फूल झाड़ू से फर्श पर झाड़ू लगाएं, बाल, पेपर इत्यादि को हाथ से उठाएं। एक बाल्टी में साफ पानी में क्लीनिंग एजेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाएं। पोछे को क्लीनिंग सॉल्यूशन में डुबाएं और अच्छी तरह निचोड़ें। लकड़ी के रेशों की दिशा में फर्श पर पोछा लगाएं। एक साफ मुलायम कपड़े को क्लीनिंग सॉल्यूशन में डुबाएं और धब्बों के ऊपर हल्के से रगड़ें। पोछे को निचोड़ें और गीले फर्श से फालतू पानी को सोखें। सादे साफ पानी की बाल्टी में पोछे को साफ करें, निचोड़ें और फर्श पर पोछा लगाएं। माइक्रोफाइबर पोछे या कपड़े से फर्श को रगड़कर सुखाएं। आइए देखते हैं सेरेमिक टाइल, मार्बल, कंक्रीट और विनाइल के फर्श की सफाई के लिए जरूरी सामान और उपकरण क्या है। माइक्रोफाइबर पोछा, नायलॉन सॉफ्ट हैंड ब्रश, रबर के दस्ताने और सुरक्षात्मक जूते, गीला फर्श, वार्निंग साइन बोर्ड, फूल झाड़ू और डस्ट पैन, लंबे हैंडल वाला पोछा, रिंगर के साथ दो बाल्टियां, एक क्लीनिंग सॉल्यूशन के लिए व दूसरी साफ पानी के लिए। फूल झाड़ू से फर्श पर झाड़ू लगाएं, बाल, पेपर इत्यादि को हाथ से उठाएं। एक बाल्टी में साफ पानी में क्लीनिंग एजेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाएं। पोछे को क्लीनिंग सॉल्यूशन में डुबाएं, निचोड़ें और फर्श पर पोछा लगाएं। धब्बों के ऊपर थोड़ा क्लीनिंग सॉल्यूशन डालें और नायलॉन के सॉफ्ट हैंड ब्रश से रगड़ें। पोछे को निचोड़ें और गीले फर्श से फालतू पानी को सोखें। सादे साफ पानी की बाल्टी में पोछे को साफ करें, निचोड़ें और फर्श पर पोछा लगाएं। जब तक क्लीनिंग सॉल्यूशन के निशान साफ न हो जाएं, तब तक साफ पानी से पोछा लगाते रहें। लिंट फ्री कपड़े या माइक्रोफाइबर पोछे से फर्श को रगड़कर सुखाएं। आइए अब देखते हैं कांच के फर्श की सफाई के लिए जरूरी सामान और उपकरण क्या है। फ्लोर स्क्वीजी, स्पॉन्ज वाइप्स, माइक्रोफाइबर पोछा, रबर के दस्ताने और सुरक्षात्मक जूते, स्पॉन्ज या स्पॉन्ज पोछा, सामान्य फर्श क्लीनर, दो बाल्टियां, एक क्लीनिंग सॉल्यूशन के लिए व दूसरी साफ पानी के लिए, कांच क्लीनर, फूल झाड़ू और डस्ट पैन, गीला फर्श, वार्निंग साइन बोर्ड। फूल झाड़ू से फर्श पर झाड़ू लगाएं, बाल, पेपर इत्यादि को हाथ से उठाएं। एक बाल्टी में साफ पानी में क्लीनिंग एजेंट को मिलाकर विलयन बनाएं। स्पॉन्ज पैड या स्पॉन्ज पोछे को क्लीनिंग सॉल्यूशन से गीला करें और हल्के से कांच के फर्श पर रगड़ें। फ्लोर स्क्वीजी या स्पॉन्ज पोछे का इस्तेमाल करते हुए फर्श से क्लीनिंग सॉल्यूशन को साफ करें। आवश्यक हो तो कांच क्लीनर की स्पॉन्ज पर स्प्रे करें और धब्बों के ऊपर हल्के से रगड़ें। स्पॉन्ज को साफ पानी में साफ करें और फर्श को इससे साफ करें। फर्श को स्पॉन्ज वाइप या साफ फ्लोर स्पॉन्ज पोछे से रगड़कर सुखाएं। माइक्रोफाइबर पोछे
या कपड़े से पानी के निशानों को साफ करें। कारपेट की सफाई जगह की सुंदरता और वहां काम करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। धब्बेदार और गंदा कारपेट जगह की सुंदरता को कम करता है और धूल मिट्टी और कीटाणु स्वास्थ्य के लिए समस्या पैदा करते हैं। कारपेट की सफाई के कई तरीके हैं जो गंदगी के प्रकार और मात्रा पर निर्भर करते हैं। चलिए अब देखते हैं कारपेट की सफाई के लिए जरूरी सामान और उपकरण क्या हैं। फूल झाड़ू और डस्ट पैन, स्टेन रिमूवर, हैंड हार्ड ब्रश, रबर के दस्ताने, कार्य प्रगति पर है वार्निंग साइन बोर्ड। धूल हटाने के लिए सख्त ब्रश की मदद से कारपेट पर झाड़ू लगाएं। पूरी धूल मिट्टी को फूल झाड़ू और डस्ट पैन की मदद से उठाएं और सुरक्षित तरीके से फेंकें। धब्बों के लिए साफ कपड़े पर क्लीनिंग एजेंट की थोड़ी मात्रा लें और धब्बे के ऊपर रख कर दबाएं और सोखें। एक साफ कपड़ा और साफ पानी लेकर कारपेट पर बचे हुए क्लीनिंग सॉल्यूशन को गीला करें और उसे सोखें। कारपेट को हवा में सूखने दें। दाग हटाने के लिए साफ सफेद कपड़े का इस्तेमाल करें। डिजाइन वाले कपड़े से रंग निकल कर कारपेट पर लग सकता है। कारपेट को पानी से न भिगोएं। आइए दोस्तों एक बार फिर देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सफाई के समय कुछ बातों का हमेशा खास ध्यान रखें। टाइल, लकड़ी, कांच के फर्श के लिए सही क्लीनिंग एजेंट चुनें। लकड़ी के फर्श पर तेल, वैक्स या फर्नीचर स्प्रे का इस्तेमाल न करें। टाइल या मार्बल के फर्श पर एसिड वाले क्लीनिंग एजेंट का इस्तेमाल न करें। लकड़ी के फर्श पर ब्लीच का इस्तेमाल न करें। साफ करने के लिए खुरदुरे पैड का इस्तेमाल न करें। विनाइल के फर्श को बहते पानी से न धोएं। बधाई हो दोस्तों, आज आपने एक अच्छे हाउसकीपिंग अटेंडेंट बनने के सफर में एक और कदम बढ़ाया है। हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद।